हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईमेल एंड इंटरनेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इनके आंसर्स भी यहीं पे आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो जो टॉप 40 एमसीक्यूज रहने वाले हैं ईमेल एंड इंटरनेट के, इस वीडियो में वो कवर हो गए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जिसमें आपको मिलेगी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट 40 एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपकी स्क्रीन पे वो है, विच वाज द फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विस लॉन्च्ड इन 1996। जी हाँ, जो ईमेल सर्विस है तो पहली बार इसको लॉन्च किया गया है 1996 में। तो पहली फ्री ईमेल सर्विस कौन थी जो कि लॉन्च हुई थी उस साल यानी 1996 में, तो इसका आपको आंसर करना है। तो आपको बता दो, इसका आंसर है ऑप्शन ए, हॉटमेल। क्वेश्चन नंबर टू है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ईमेल। जी हाँ, फादर ऑफ ईमेल किसको कहा जाता है। आपके पास फोर ऑप्शंस है, तो आपका इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आपको बता दो, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रे टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द नेटवर्क यूज्ड टू सेंड फर्स्ट ईमेल मैसेज वाज। जी हाँ, जब पहली बार ईमेल मैसेज सेंड की गई तो उस वक्त जो नेटवर्क यूज़ की गई थी वो कौन सी थी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्पानेट। तो आर्पानेट जो है इसी नेटवर्क को यूज़ करके जो है पहली बार जो है एक ईमेल मैसेज जो है भेजी गई थी। क्वेश्चन नंबर फोर है, द फर्स्ट टेक्स्ट मैसेज सेंट थ्रू एन ईमेल मैसेज वाज। जी हाँ, जो पहली टेक्स्ट मैसेज सेंट की गई थी एक, यानी जब पहली बार ईमेल सेंड किया गया था तो वो मैसेज जो उसमें लिखी गई थी वो क्या थी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई UIOP, यानी जो आपके कीबोर्ड के पहले रो में जो कीज़ होती है उन सबको टाइप किया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ ईमेल। तो आपके पास ऑप्शन से आपको बताना है इनमें से ईमेल का एडवांटेज क्या है। तो ऑप्शन ए है ऑल ऑफ द बिलो, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ऑप्शन बी है ईजी एंड फ्री डिलीवरी। जी हाँ, ये ठीक है, ईजी और फ्री डिलीवरी होती है ईमेल से। उसके बाद है ग्लोबल डिलीवरी विथ अटैचमेंट। जी हाँ, आप ऑल ओवर इन वर्ल्ड जो है ईमेल भेज सकते हो और अटैचमेंट के साथ, यानी कोई भी फाइल आपके साथ इसके साथ जो है भेज सकते हो। तो ये भी सही आंसर है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जी हाँ, आप काफ़ी टाइम तक जो है स्टोर रख सकते हो ये ईमेल्स। तो ये तीनों इसके सही आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द बिलो। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल। जी हाँ, ईमेल का डिसएडवांटेज कौन है आउट ऑफ दीज। तो पहला है वायरस थ्रू अटैचमेंट। जी हाँ, ये सही है, क्योंकि जब ईमेल भेजते हैं तो वायरस भी अटैचमेंट्स के थ्रू भेजा जाता है कभी कभी। ऑप्शन सी देख के हम स्पैम। जी हाँ, आपको स्पैम मैसेज भी मिलते हैं ईमेल में। ऑप्शन डी है मेल लेफ्ट अनरीड। जी हाँ, कभी कभी आपकी ईमेल मैसेज जो है वो अनरीड ही रहती है, आपको जब नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो वो जो है आपके ईमेल बॉक्स में पड़ी रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दीज जो है वो इसके डिसएडवांटेजेस है, यानी ईमेल के डिसएडवांटेजेस है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द प्रोग्राम ऑन डिवाइस यूज्ड टू रीड राइट सेंड एंड रिसीव एन ईमेल इज कॉल्ड। जी हाँ, आपकी डिवाइस पे ऐसा प्रोग्राम जिससे आप रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो और जो सेंड और रिसीव कर सकते हो ईमेल, तो उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो आपको बता दो, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ईमेल क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर एट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल क्लाइंट, ईमेल रीडर और मेल यूज़र एजेंट। जी हाँ, ये जो तीनों है ये एक ही चीज़ है, यानी जो ईमेल क्लाइंट है उसका ही दूसरा नाम है ईमेल रीडर और इसका ही एक और नाम है मेल यूज़र एजेंट। तो इसको बताना है, आपको बताना है आउट ऑफ दीज इसका सही आंसर क्या है, यानी एग्जाम्पल क्या है एक ईमेल क्लाइंट की। तो जीमेल भी सही आंसर है, हॉटमेल भी सही आंसर है, एमएस आउटलुक भी सही आंसर है। ये आपको जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो ये जो है आंसर आपको पता होगा। तो इसका जो करेक्ट जो फॉर्मेट होता है कि ईमेल एड्रेस का, वो है ऑप्शन ए, abc@xyz.com। xyz के जगह पे आपके पास होता है क्लाइंट का नाम, यानी जो जीमेल होगा, हॉटमेल होगा, तो वहाँ पे ये होता है। तो abc जो यहाँ पे है आपका, वो आपका नाम होता है जो आप सेट करते हो अपने ईमेल एड्रेस में। क्वेश्चन नंबर टेन है,
from the email address abc@xyz.com which part is called as domain name. जी हाँ, जो आपके पास यहाँ पे email address दिया गया है तो इसमें domain name किस part को कहा जाता है, तो इसका answer है option B xyz. जी हाँ, xyz की जगह पे आपको लिखा होता है gmail है या hotmail है, तो इसी यही जो है इसको domain कहा जाता है कि email address में. क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एन ईमेल विद डिफरेंट सब्जेक्ट बट डिफरेंट बॉडी एंड कंटेंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर इज कॉल्ड. जी हाँ, आपको कभी कभी जो है एक ईमेल मिलेगी जिसमें सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, लेकिन जब आप ईमेल को जो है ओपन करते हो तो वहाँ पे जो है बॉडी डिफरेंट होगी और जो उसका कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो सब्जेक्ट डिफरेंट इसलिए लिखते हैं वहाँ पे ताकि कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हो जाए. तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है इंटरनेट की जो है टर्मिनोलॉजी में, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी थ्रेड जैकिंग. क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन नेम यूज्ड फॉर एन ईमेल एड्रेस. ये आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है ईमेल एड्रेस के लिए इनमें से कौन सा डोमेन नेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ORG, यहाँ पे ORG भी सही आंसर है, com भी सही आंसर है और .net भी सही आंसर है. तो आपको पता है जब आपका एक ईमेल होता है तो वहाँ पे लास्ट में होता है जो आपका डोमेन होता है उसके बाद .com, .org, .edu ये सारी चीज़ें होती है, तो इन्हीं को जो है डोमेन नेम कहा जाता है. तो इनमें से आपको बताना था कि ईमेल के लिए आप कौन सा डोमेन इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये सारे जो है इसके सही आंसर है. तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 13 है, द ईमेल विच आर टाइप्ड बट नॉट सेंट आर कॉल्ड. यहाँ ऐसी ईमेल जो आप टाइप करते हो लेकिन सेंड नहीं करते उनको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ड्रॉप्ड. क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन वी सेंड सेम मैसेज टू डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस विद ऑप्शंस विच ऑप्शन वी जनरली यूज़ डैट मीन्स जब हम एक ही मैसेज डिफरेंट पर्सन्स को भेजते हैं यानी डिफरेंट ईमेल एड्रेस पे भेजते हैं तो वहाँ पे उस टाइम हम कौन सा ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी CC यानी कार्बन कॉपी. क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन वी सेंड सेम मैसेज टू डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस बट हाइड द मैसेज रिसिप्ट्स फ्रॉम ईच ऑफ देम विच ऑप्शन वी जनरली यूज़. जी हाँ, एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम एक ही ईमेल बहुत सारे जो ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हो लेकिन उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलती कि ये ईमेल और किस किस एड्रेस पे गई है, तो उस टाइम हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी. क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंटरनेट. जी हाँ, इनमें से फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी विंट सर्फ. क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट इज कॉल्ड. जी हाँ, जो मेन प्रोटोकॉल इंटरनेट में इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, तो ये एक ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए TCP/IP. तो TCP आपको पता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो यही प्रोटोकॉल इंटरनेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है. क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज़ द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW जो आप लिखते हो अपने एड्रेस में, तो उसका फादर कौन है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी टिम बर्नर्स ली, फादर है वर्ल्ड वाइड वेब के. क्वेश्चन नंबर 19 है, द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड. यहाँ जो मेन पेज होता है वेबसाइट का, जब आप एक वेबसाइट ओपन करते हो अपने ब्राउज़र पे तो जो पहला पेज होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी होम पेज. क्वेश्चन नंबर 20 है, द ग्रुप ऑफ वेब पेजेस विद सेम थीम कनेक्ट विथ हाइपरलिंक्स इज कॉल्ड. जी हाँ, जब बहुत सारे वेब पेजेस जो एक ही थीम पे यानी एक ही टॉपिक पे बनाए हुए होते हैं और एक हाइपरलिंक से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको उस टाइम पे उसको क्या कहा जाता है, तो जब बहुत सारे वेब पेजेस मिलते हैं तो वो एक वेबसाइट बनाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वेबसाइट. क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी जो भी आप एड्रेस टाइप करते हो जब आप किसी साइट पे जाना चाहते हो तो उसको जो है पूरे इंटरनेट पे जो है URL के ही ज़रिए लोकेट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 22 है, द फर्स्ट URL वॉज क्रिएटेड बाई टिम बर्नर्स ली इन नेक्स्ट कंप्यूटर एट सर्न इंस्टीट्यूट इन द ईयर. जी हाँ, आपको बता दूँ जो पहली URL है वो टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी, जो है नेक्स्ट कंप्यूटर था सर्न इंस्टीट्यूट में वहीं पे उन्होंने बनाया था, लेकिन ये सब उसने किस ईयर में किया, तो आपको बता दो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1971.
क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? जी हाँ, HTTP जो है आपका जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, तो सबसे पहले HTTP ही वहाँ पे जो है लिखा हुआ होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो है HTTP की वजह से ही जो है आपका वेब ब्राउज़र जो है वेब सर्वर के साथ कनेक्ट करता है, यानी जो कम्युनिकेशन होती है फिर वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में, वो HTTP ही मेंटेन करता है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन्स द रूल्स डेट हाउ मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो डिफाइन करता है कि मैसेज किस तरह से ट्रांसमिट होगी क्लाइंट से लेके सर्वर तक? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, HTTP प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन HTTPS व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड एस। जी है, HTTP आपको दिखेगा लेकिन किसी किसी जगह पे आपको HTTPS लिखा होता है। तो SS जो लास्ट में S है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिक्योर। यानी जब भी ये आपको दिखेगा अपनी वेबसाइट के आगे, डेट मीन्स आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू एक्सप्लोर इंटरनेट इज कॉल्ड। जी हाँ, वो एप्लीकेशन जिससे आप इंटरनेट को है वो एक्सेस कर सकते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, यानी वो उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिससे आप इंटरनेट जो है वो एक्सेस कर सकते हो? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। आपके पास ऑप्शन से आपको बताना है इनमें से वेब ब्राउज़र की एग्जाम्पल क्या है। UC ब्राउज़र, जी हाँ ये एक वेब ब्राउज़र है। क्रोम, गूगल क्रोम, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 है, द प्रोटोकॉल यूज टू सेंड मेल टू द पीपल इज कॉल्ड। जी हाँ, वो प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से मेल जो है लोगों को तक जो है सेंड किया जाता है, तो वो क्या कौन सा प्रोटोकॉल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव मेल फ्रॉम सर्वर बट मैसेज इज डिलीटेड फ्रॉम सर्वर आफ्टर डाउनलोड। जी हाँ, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो मेल रिसीव करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मैसेज आपके पास आती है तो जैसे आप उसको डाउनलोड करते हो तो वो मैसेज फिर सर्वर से डिलीट हो जाती है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है ये? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, POP3, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, जो है वही प्रोटोकॉल इस प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द प्रोटोकॉल विच इज़ यूज टू रिसीव मेल फ्रॉम सर्वर एंड मल्टीपल डिवाइसेस कैन एक्सेस द मेल एंड मैसेज इज नॉट डिलीटेड वंस रीड। जी हाँ, वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो इस्तेमाल होता है मेल रिसीव करने में, और इस प्रोटोकॉल की हेल्प से ही जो है आप अपनी ईमेल एड्रेस को जो है मल्टीपल डिवाइस से जो है एक्सेस कर सकते हो और जो मैसेज है वो सर्वर से डिलीट नहीं होती? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, IMAP4, यानी इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन वेब पेजेस ऑफ ए वेबसाइट। इनमें से कौन सा लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल होती है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउज डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जिससे जो है वॉइस कम्युनिकेशन जो है नेटवर्क पे वो एनेबल होती है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, VOIP, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। जी हाँ, जो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स है, तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन है आउट ऑफ दीज 4? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, NCSA मोज़ेक। क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपकी स्क्रीन पे वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, इनमें से कौन सा ऐसा वेब ब्राउज़र है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने जो है डेवलप किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द सेंडर ऑफ ईमेल फॉर्मेट द कंटेंट ऑफ हिज ईमेल मैसेज बाय अप्लाइंग फॉन्ट साइज। जी हाँ, इनमें से कौन से चीज़ वो है जो एक सेंडर जो ईमेल का होता है वो अपनी ईमेल को फॉर्मेट कर सकता है, उस पर डिफरेंट फॉन्ट साइज जो है वो सारी चीज़ें जो है अप्लाई कर सकता है?
तो उसके लिए कौन सा चीज़ इस्तेमाल होता है आउट ऑफ दीज फोर? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, द स्मॉल मैसेज गिवन टू अ वेब ब्राउजर बाय अ वेब सर्वर विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी इज कॉल्ड। यह एक छोटी सी मैसेज जो एक वेब ब्राउजर वेब सर्वर को देता है और इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करता है, जो भी यूज़र एक्टिविटी करता है वेब ब्राउज़र पे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुकी। क्वेश्चन नंबर 37 है, द स्टोरेज एरिया ऑफ एन ईमेल इज कॉल्ड। जी हाँ, स्टोरेज एरिया ईमेल का जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल्स इज कॉमनली नोन एज। जी हाँ, जो आप के पास जो कुछ कॉमर्शियल ईमेल्स आती है, अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल्स, तो उनको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पैम्स। यानी स्पैम में जो है आपको मैसेज आती है कभी कभी, तो वो ही अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल्स होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस। जी हाँ, ये सारे जो है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन सर्विस है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा स्लो कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केबल मोडेम। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, वो है, व्हाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क डेट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द इंटरनेट। जी हाँ, इनमें से कौन सी पहली नेटवर्क है जिसने जो है इंटरनेट के लिए बेसिस प्रोवाइड की थी, यानी इंटरनेट स्टार्ट हुआ था इसी नेटवर्क की हेल्प से? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्पानेट। तो इसी के साथ जो है हमने 40 MCQs यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपने इन क्वेश्चंस का आंसर खुद भी दिया होगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक के MCQs यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।